चित्रकूट के थाना क्षेत्र प्रसिद्धपुर गांव में कांग्रेस नेता और उनके भाई की गोली मारकर हत्या करने के मुख्य आरोपी को पुलिस ने घटना के 6 दिन बाद दबोच लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी राइफल भी बरामद की है। बता दें कि पुलिस इस मामले में नामजद एक आरोपी को पहले ही जेल भेज चुकी है। वहीं पुलिस ने बताया कि हत्यारोपी की तलाश में तड़के लगभग 3:30 बजे लोहोदा गांव के एक मंदिर के पास छापा मारा। इस दौरान मंदिर के पीछे मौजूद हत्या का मुख्य आरोपी कमलेश रैकवार पुलिस को देखकर भागने लगा और दबोच लिया गया। 29 दिसंबर को जनपद चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत ग्राम प्रसिद्धपुर में आपसी विवाद को लेकर 2 व्यक्तियों अशोक कुमार सिंह पटेल और शुभम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस अभियोग में 2 लोग पंजीकृत हुए थे, जिसमें एक कमलेश रैकवार और दूसरा उसका पुत्र राहुल। राहुल की गिरफ्तारी पुलिस ने पहले ही कर लिया था और अभी कल शाम को 8 बजे के आसपास 64 माता मंदिर लोहदा के पास मुख्य अभियुक्त कमलेश रैकवार की गिरफ्तारी पहाड़ी पुलिस ने की है। उसके पास से आलाखत राइफल और एक कारतूस बरामद हुआ है और पुलिस अब नियमानुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता अशोक पटेल और उसके भतीजे शुभक की मामूली विवाद में गांव के ही कमलेश रैकवार ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी और हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई थी। इसी कड़ी में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।